15 साल की एज में तो आपको वोटिंग का अधिकार तक नहीं मिलता, जी हाँ, लेकिन एक लड़का जो अपने देश के लिए खेला और रिकॉर्ड बना के आया, और चाहे उसके बिल्कुल बाद 2 साल बाद 17 साल की एज में तब भी आपको वोटिंग का अधिकार नहीं बिल्कुल नहीं मिलता, मिलता। उसमें भी वो लड़का अपने देश के लिए एक और रिकॉर्ड बना के आया। हम बात कर रहे हैं कुशल मल्ला के बारे में। जी जी हाँ, हाँ, एक और उभरते हुए सितारे नेपाल क्रिकेट के, कुशल मल्ला, जिनके बारे में हमने अब तक बात नहीं की थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनके बारे जी में भी हाँ, बात की बिल्कुल जाए, क्योंकि उन्होंने भी कुशल गुरतेल की ही तरह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जो बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर को उन्होंने इस रिकॉर्ड में बिल्कुल हराया है। बिल्कुल जी हाँ, कुशल मल्ला की जितनी तारीफ की जाए उतना कम जरूर है, जिस एज में उन्होंने कारनामा किया है उस वजह से उनकी तारीफ बनती है। जरूर जरूर, बिल्कुल सही कहा। जी क्योंकि हाँ, इस एज में तो हमें वोट भी नहीं जी मिलते हाँ, हैं, वोट का अधिकार भी नहीं जी मिलता, तो कहीं हाँ, ना कहीं बिल्कुल ठीक है। उस एज में वो सबसे पहली बात तो देश के लिए खेलते हैं, जी उससे हाँ। बड़ी बात तो खैर हो भी नहीं सबसे सकती। बड़ी बात, हम आपको बार बार बताते हैं कि हम दिल्ली क्रिकेट हमेशा नेशंस क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बिल्कुल बल्कि जी लीग्स की। हाँ, अगर आप देश बिल्कुल के लिए क्रिकेट बिल्कुल खेलते हैं, भले आपने एक मैच खेला हो, वो बहुत बड़े गर्व की बात होती है। जी जरूर हाँ, जरूर। तो इसी के साथ जैसा आपने कहा, शुरू करते हैं कि कुशल मल्ला ने आखिर किया क्या, जी हाँ, ऐसा क्या किया जो इतना ज्यादा उनका जो नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके वर्ल्ड नाम रिकॉर्ड जो है। मैंने बनाया है। जी इसी के हाँ, साथ सबसे पहले बात करते हैं T20I की। जी जी हाँ, जो हाँ, अभी T20I हाल फिलहाल में हुआ था नीदरलैंड के खिलाफ, उनमें उन्होंने 17 साल की उम्र में जी माफ कीजिएगा, हाफ जी सेंचुरी हाँ, जड़ने का जो कारनामा किया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला उन्होंने उस 17 साल की उम्र में। जी हाँ, जब अकेडमियों में लड़के प्रैक्टिस करते हैं जी 17 साल की हाँ, उम्र में, वो देश के लिए खेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, जहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर। जी हाँ। उन्होंने शाहिद अफरीदी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे कई लोगों के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कैसे तोड़े हैं वो आगे आए आपको बताएंगे सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले 15 साल की उम्र में उन्होंने, 2 साल पीछे जाना होगा हमें जी आज हाँ, से, तब उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जब उन्होंने सचिन सर और शाहिद अफरीदी सर का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। जी हाँ, तो ये 15 साल की उम्र में अपने ही हमवतन नेपाल के जो क्रिकेटर थे उनके, रोहित पुडेल का जी भी हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड, जो पहले उन्हीं का रिकॉर्ड था रोहित पुडेल का, उसको भी उन्होंने चकनाचूर किया, ध्वस्त किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 15 साल की उम्र में, यंगेस्ट बैट्समैन ODI में हाफ सेंचुरी मारने वाले। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, और ये यही रिकॉर्ड उन्होंने अफरीदी का भी तोड़ा, उनके बाद सचिन सर का भी तोड़ा, और फिर और भी काफी सारे प्लेयर्स इस लिस्ट में हैं जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। बिल्कुल, तो ODI में उन्होंने सबसे बहुत पहले गर्व ये होगा। रिकॉर्ड जी बनाया। हाँ जी हाँ, हैरानी इस बात की होती है कि इतनी कम एज में, क्योंकि 15 साल की एज में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, बहुत बड़ी कमाल बात होती है इतनी कमाल। की एज में। तो अभी सब आजकल की आप खुद ही देख जनरेशन, लीजिए आप ना खुद ही अपने अराउंड में, आसपास देख लीजिए, 15 साल की एज की लड़की है, 90% तो आपको मोबाइल में मिलेंगे। जी हाँ, बच्चे में जो 10% है वो अपने लाइफ के लिए या फिर अपने करियर के लिए या फिर अपने देश के लिए क्रिकेट में बिल्कुल या फिर किसी तरह बिल्कुल, की यही करते हाल हैं। जी है, हाँ, यही ये चल रहा आपके है। देश में भी है, हर देश में है कि 90% जो है 15 साल के लड़के तो मोबाइल में घुसे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये अचीवमेंट है, हैरानी होती है और आश्चर्य वाली हंसी भी आती है कि इतनी कम एज में कुशल मल्ला ने जो कारनामा करके दिखाया बिल्कुल वो काबिले बिल्कुल तारीफ है। बिल्कुल अब हम आगे बढ़ते हैं T20I में, जो अभी अभी जरूर, नेपाल ट्राइनेशन सीरीज कंप्लीट हुई, वहां पर उन्होंने 24 बॉलों में जो हाफ सेंचुरी ठोकी है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि सबसे यंगेस्ट एज में T20 और 50 दोनों में उन्होंने, माफ कीजिए, T20 और ODI दोनों में 50 मारने का उन्होंने जरूर ये रिकॉर्ड कारनामा किया है। तो हैट्स ऑफ टू यू कुशल मल्ला, बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल इनिंग, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त इनिंग। कुशल बुर्तल की आड़ में कहीं ना कहीं शायद वो ढक जा रहे थे, जी क्योंकि हाँ, कुशल बुर्तल ने लगातार 350 मारी, वो रिकॉर्ड बनाया, आईसीसी ICC प्लेयर प्लेयर ऑफ द ऑफ द मंथ की मंथ लिस्ट में आए। गए। तो कुशल मल्ला की ज्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन हम आपके सामने इनकी भी जरूर स्टेट्स और जरूर बातें लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, एक बात यहां बताना चाहूंगा कि उन्होंने जिसका रिकॉर्ड तोड़ा T20I में, वो युगांडन बैट्समैन थे, जी युगांडा हाँ, के थे, उनका नाम था फ्रैंक अकांगवासा। जी वो 17 साल 52 दिन के थे, और जब कुशल ने ये जब रन मारे, 50 मारी, तो 2 दिन पहले कुशल जी मल्ला ने ये हाँ, 50, यानी कि 17 साल 50 दिन में कुशल मल्ला ने ये अदृश्यतर T20I में जड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, और देश का नाम, नेपाल का नाम बहुत बहुत ऊंचा जी गौरव हाँ, किया। क्योंकि काफी कम है, अगर हम आपको यकीन दिलाना चाहें तो आपको यकीन दिला सकते हैं कि इस नेपाल ट्राइनेशन सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है नेपाल की, जरूर इससे जरूर काफी जी छाप हाँ, छोड़ी है। जी हाँ, ICC की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ था कि राइजिंग स्टार ऑफ नेपाल कुशल बुर्तेल और नेपाल की परफॉर्मेंस। तो इतनी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप ICC वेबसाइट्स पे अगर आपको इस तरह से एक डेडिकेटेड जरूर वीडियोस जी प्रदान हाँ किया जाए, हम तो बहुत छोटे चैनल हैं, ICC पूरी दुनिया की क्रिकेट चलाते बिल्कुल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं कुशल मल्ला ने सच में जीत जीता है, क्योंकि एज को देखते हुए ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो हम पूरी तरह से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उनके आने वाले करियर के लिए। एट द एंड मैं चाहूंगा एहान आप कुछ कहें कुशल मल्ला के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीखने की बात है जी, आप इसे कैरी ऑन करिए, सीखिए और बहुत आपका फ्यूचर बहुत आगे है, बहुत ज्यादा बड़े आप सितारे बन सकते हैं नेपाल के लिए। T20I से इसको और आगे लेके जाइए। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही हम बात कर रहे थे कि T20I तक तो ठीक है लेकिन आपको इसको आगे लेके जाना होगा, आपको देश का नाम और आगे लेके जाना है। बहुत आप जैसे आपके पुराने प्लेयरों ने नेपाल को कहां से लाके कहां खड़ा किया है, कुछ भी नहीं थे पहले, आगे तो आपको मानना पड़ेगा और उसी नेपाल को आपको और ज्यादा आगे ले आना, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है आप लोग जरूर इस नेपाल टीम को ऊपर जरूर लेके जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुशल मल्ला की परफॉर्मेंस और कुशल मल्ला के रिकॉर्ड सच में बहुत ज्यादा आपको इम्प्रेस किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार क्रिकेट को फॉलो करते रहते हैं, क्रिकेट की हर छोटी बड़ी न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी छोटा देश हो, कोई भी कंट्री हो, स्कॉटलैंड क्यों ना हो, जो आने वाली सीरीज है, कंप्लीट क्रिकेट इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस हम आपके सामने लाते रहते हैं। क्रिकेट का मींस क्रिकेट है, हम दोबारा वही कहेंगे, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट होता है, क्रिकेट का मतलब चार देशों या फिर तीन बड़े देशों को ही सिर्फ उनकी न्यूज दिखाना नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट और वीडियोस के साथ क्रिकेटिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। बाय।